हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में बैडमिंटन के रूल्स के बारे में, उसकी मेजरमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे से इसको हम आज समझने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इसकी कोर्ट, ठीक है? बैडमिंटन कोर्ट की मेजरमेंट के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है, ठीक है, वो नॉर्थ टू साउथ बनता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ये बनता है, ठीक है? और इसका जो मार्किंग लाइन है, ये जो भी आपको मार्किंग लाइन आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी इसमें मार्किंग होती है, कौन से कलर में होती है, वाइट और येलो कलर में इसकी मार्किंग होती है। और इसकी जो लाइन की विड्थ है, ठीक है, कितनी मोटी लाइन यहाँ पर लगेगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 mm इसकी जो विड्थ है वो होगी। और ये जो लाइन होती है, मार्किंग लाइन, ये इंक्लूडेड होती है। इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है कि अगर शटल यहाँ पर लाइन पर पड़ भी जाती है तब भी वो फॉल नहीं होगा, क्योंकि लाइन यहाँ पर इसमें शामिल होती है मार्किंग के अंदर। फिर अब इसका जो डायगनल है, ठीक है, इसकी जो डायगनल लेंथ है वो कितनी होती है टोटल, वो होती है 14.723 मीटर। ये डायगनल लेंथ, यानी कि जब हम इसकी मार्किंग करते हैं, मान लो ये पॉइंट, एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ से हमने 14.723 मीटर की मेजरिंग टेप निकाल कर यहाँ पर कट मार्क लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरह से ही, और फिर हम इस तरह से मार्किंग करते हैं। बैडमिंटन कोर्ट की अगर लेंथ हम देखें कितनी होती है, 44 फुट इसकी लेंथ होती है, मीटर में देखें तो 13.40 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी होती है, 20 फुट इसकी लेंथ होती है, यानी 44 बाय 20 का बैडमिंटन का कोर्ट होता है। ये डबल्स के लिए, ठीक है, सिंगल्स के लिए क्या होती है, सिंगल के लिए इसकी लेंथ तो सेम ही रहती है, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ यहाँ पर इसकी कम हो जाती है, कितनी होती है, 17 फुट, यानी कि 5.18 मीटर इसकी विड्थ होती है सिंगल के लिए, ठीक है। इसमें जो साइड लॉबी है वो इंक्लूड नहीं होती है, इसे हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद देखिए, इसमें इस तरह से जो लाइन होती है दो, ये लाइन होती है शॉर्ट सर्विस लाइन, ठीक है, शॉर्ट सर्विस लाइन इनको कहते हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर एक लाइन होती है जो कि इस सर्विस कोर्ट को दो भाग में बांट देती है, जिससे कि यहाँ पर जो सर्विस कोर्ट है वो लेफ्ट कोर्ट और राइट सर्विस कोर्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट में। इस तरह से ही यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट सर्विस कोर्ट और राइट सर्विस कोर्ट। उसके बाद देखिए, ये जो सेंटर लाइन है, ठीक है, जो कि कोर्ट को दो भागों में यहाँ डिवाइड कर रही है, जहाँ पर नेट लगा रहता है, वहाँ से जो शॉर्ट सर्विस लाइन की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 6 फुट 5 इंच, 1.98 मीटर इसका डिस्टेंस होता है। उसके बाद देखिए, जो हमारे सर्विस कोर्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है, 13 फुट, यानी कि 3.88 मीटर। और उसी के साथ यहाँ पर ये देखिए बैक लॉबी, ठीक है, बैक लॉबी कितने की होती है, 2 फुट 5 इंच की ये होती है, यानी 0.76 मीटर की होती है यहाँ पर बैक लॉबी। इस तरह से ही यहाँ पर साइड लॉबी होती है, ठीक है, साइड लॉबी कितने की होती है, 1 फुट 5 इंच की, ठीक है, 1 फुट 5 इंच की यहाँ पर साइड लॉबी होती है, ठीक है, मीटर में देखें तो 0.45 मीटर इसकी जो विड्थ होती है वो होती है किसकी, साइड लॉबी की। ये जो भी आपको दिख रही है साइड में, ये है साइड लॉबी, और ये साइड लॉबी सिंगल के लिए इंक्लूड नहीं होती, यानी सिंगल के लिए ग्राउंड कितना होता है, सिंगल के लिए हमारा 44 बाय 17 का हमने पहले ही पढ़ा था, जिसमें कि साइड लॉबी इंक्लूड नहीं होती है। ये वाली लाइन को कहते हैं लॉन्ग सर्विस लाइन के दोनों तरफ में, ठीक है। लास्ट वाली लाइन बैक बाउंड्री लाइन होती है, और ये वाली लाइन होती है साइड लाइन फॉर डबल, ठीक है, डबल्स के लिए जो साइड लाइन होती है वो ये होती है। हमने पहले ही पढ़ा कि डबल के लिए जो कोट होता है वो होता है हमारा 44 बाय 20 का, यानी पूरा कोट, और जो साइड लाइन होती है सिंगल के लिए वो कौन सी होती है, ये वाली, यानी ये वाली साइड लाइन है सिंगल के लिए, उसमें ये वाली लॉबी दोनों तरफ इंक्लूड नहीं होती है। कि उसके बाद देखिए, बैडमिंटन में जो इंडोर स्टेडियम है उसकी छत की ऊंचाई 9 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद इसमें नेट रहता है, नेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर है सर्विस कोर्ट एरिया, ठीक है। सिंगल के लिए जो सर्विस एरिया है वो कौन सा है, ये वाला है सर्विस कोर्ट एरिया सिंगल के लिए, जिसमें साइड लॉबी हमारी इंक्लूड नहीं होती है दोनों तरफ में, आप देख सकते हैं। और इस तरह से ही डबल के लिए कौन सा होता है सर्विस कोर्ट एरिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो भी कलर में। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेट के बारे में। अब नेट की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 20 फीट की, यानी कि 6.096 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो विड्थ होती है, कितना चौड़ा होता है नेट, 2.5 फीट चौड़ा होता है नेट, 0.762 मीटर। और इसके जो पोस्ट हैं, ठीक, पोस्ट कितनी हाइट पे लगते हैं, 1.55 मीटर, ठीक है, 5 फुट 1 इंच पे इसके पोस्ट लगे होते हैं, यानी कि पोस्ट की जो ऊंचाई है वो होती है 5 फुट 1 इंच। और जो नेट है, नेट की हाइट जो साइड में होती है, साइड में नेट की हाइट होती है 5 फुट 1 इंच, 1.55 मीटर, और बीच में होती है 5 फिट, ठीक है। नेट नेट की जो हाइट होती है वो बीच में होती है 5 फिट। और उसके बाद देखिए जो इसकी मेशेज होती हैं, ठीक है, ये 15 mm से 20 mm के बीच में, यानी 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच में इसके जो ये खाने हैं वो रहने चाहिए। और बैडमिंटन के नेट में क्या है, पोस्ट और जो नेट है इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और जो नेट का टॉप है, ठीक है, यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पट्टा सा लगा रहता है, आपने देखा होगा, जो कितना चौड़ा होना चाहिए, 75 mm या फिर 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद है शटल कॉक, ठीक है। शटल कॉक दो तरह की होती हैं, एक तो होती है सिंथेटिक, दूसरी हमारी फेदर, ठीक है। कंपटीशन में तो ये फेदर वाली यूज़ की जाती है, जो सिंथेटिक होती है ये प्रैक्टिस के लिए यूज़ की जाती है। तो हम फेदर वाली की मेजरमेंट देखते हैं। इसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो कितना होता है, 4.74 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम के बीच में ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके जो पंख होते हैं, कि इनके पंखों की संख्या कितनी होती है, 16 पंख इसमें लगे रहते हैं। और ये पंख किसके होते हैं, हंस या बत्तख के यहाँ पर ये पंख होते हैं। फिर देखिए जो इन पंखों की लंबाई है, ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो 62 से 70 mm, ठीक है, 62 से 70 mm होती है। और इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, आगे से जो इसका घेरा आप देख सकते हैं, इसका जो डायमीटर होता है ये कितना होता है, 58 से लेकर 68 mm के बीच में ये होता है। और इसके जो आधार है या बेस है उसका कितना डायमीटर होगा या व्यास कितना होगा, इसका डायमीटर है 25 से 28 mm के बीच में। और जो ये सिंथेटिक वाली है इसका मेजरमेंट भी लगभग सेम ही रहता है, और इसकी स्पीड में थोड़ा पूरा फर्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये था शटल के बारे में। मैं एक और चीज़ की, शटल की जो स्पीड है, स्पीड को कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है उसको टेस्ट करने के लिए एक पूरा अंडर हैंड स्ट्रोक यहाँ पर मारा जाता है, और ये बैक बाउंड्री लाइन की तरफ को मारा जाता है। यानी कि आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, कहने का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, ठीक है, यहाँ पर शटल को हम बैक बाउंड्री लाइन की तरफ को मारेंगे, तो यहाँ पर जब शटल गिरती है, अगर वो शटल इन दो इंडिकेटर लाइन के बीच में यहाँ कहीं गिरती है, तब यहाँ पर उस शटल की स्पीड को एक्यूरेट माना जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो शटल है उसकी जो करेक्ट स्पीड है जब वो लैंड होगी तब वो कितनी होनी चाहिए, वो 530 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और ना तो 990 mm से ये ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इसके बीच में जो स्पीड है वो रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है रैकेट। अब रैकेट में देखिए, ये आपको पहाड़ वाला ये जो भी एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया इसको कहते हैं फ्रेम, और ये वाला एरिया इसको हेड कहते हैं, ठीक है। कौन सा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया है हेड, और ये वाला एरिया इसमें थ्रोट, और उसके बाद ये वाला एरिया शाफ्ट, और ये वाला एरिया इसमें हैंडल, और ये जाली वाले एरिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग एरिया। का जो हेड है,
इस हेड की लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 11 इंच, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ ये 11 इंच, ठीक। और इसकी जो विड्थ है, सॉरी ये वेट नहीं है, ये विड्थ थी, ठीक है। इसकी जो विड्थ है यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 9 इंच इसकी विड्थ है, ठीक है। ये वेट गलती से यहाँ मिसस्पेल हो गया। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी, इसकी 27 इंच का रैकेट होता है, ठीक है, 68 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होता है, इसका टोटल वेट कितना होता है, ये होता है अराउंड 80 to 100 ग्राम के बीच में। और जो रैकेट है ये अलग अलग वेट में आते हैं, ठीक है। जो वेट है इसको यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, वो हैवियर होगा वेट में। अब जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4U है, ये 80 to 84 ग्राम के बीच में होगा। 3U है तो ये 85 से 89 ग्राम के बीच में। 2U है तो ये 90 to 94 ग्राम। 1U है तो 95 to 100 ग्राम, यानी टोटल 80 to 100 ग्राम। अब नेक्स्ट हम इसके रूल्स पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले प्लेयर्स, प्लेयर्स इसमें एक या दो प्लेयर इसमें रहते हैं, जैसा आप सबको पता है सिंगल और डबल्स इसमें होते हैं। और प्रोफेशनल जो बैडमिंटन गेम होती है उसके अंदर जो कंपटीशन होते हैं उसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें होते हैं मैन सिंगल, मैंस डबल, ठीक है, मिक्स डबल, वीमेन सिंगल और वीमेन्स डबल, कि ये 5 तरह की गेम्स यहाँ पर होती हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई बात यहाँ पर किस तरह के टूर्नामेंट्स यहाँ पर होते हैं। और अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी गेम शुरू होता है तो क्या होता है, टॉस, क्या। तो बैडमिंटन का खेल भी यहाँ पर टॉस से ये शुरू होता है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन पहले सर्व करेगा और कौन रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉस हो गया, उसके बाद यहाँ सर्विस, ठीक है। सर्विस के अब क्या क्या नियम होते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो खिलाड़ी होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के डायगनली खड़े होते हैं, एक दूसरे के वो तिरछे खड़े होते हैं, ठीक है, दोनों ही खिलाड़ी। ये देखिए इस तरह से खिलाड़ी खड़े होते हैं, और सर्विस भी इस तरह से डायगनली दी जाती है, राइट टू राइट एंड लेफ्ट टू लेफ्ट यहाँ पर सर्विस की जाती है। कि दूसरे इसमें क्या है कि जब शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे यहाँ पर शटल गिरती है तब वो भी फॉल्ट होता है, ठीक है, जिससे दूसरे खिलाड़ी को यहाँ पर पॉइंट मिल जाते हैं। ये है शॉर्ट सर्विस लाइन, यहाँ पर दोनों साइड आप देख सकते हैं। और यहाँ शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे यहाँ पर कहीं पर भी अगर शटल गिरती है दोनों तरफ में तो वो भी यहाँ पर फॉल्ट होता है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर रूल लिख रखे हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगी, आप इन्हें आराम से पढ़ भी सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर दोनों तरफ पे खिलाड़ी तैयार हो, ठीक है, सर्विस करने वाला खिलाड़ी भी सर्व करने के लिए तैयार हो और रिसीवर भी रिसीव करने के लिए अगर तैयार हो, तब यहाँ पर सर्विस करने में कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, जो खिलाड़ी है वो चलते चलते सर्विस नहीं कर सकता, ठीक है, ना तो वो अपना पाँव उठा सकता है। खिलाड़ी के जो दोनों पाँव हैं वो जमीन पर ही लगे होने चाहिए, यानी कि जमीन से खिलाड़ी का कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम बैक हैंड शॉट सर्विस करते हैं तो इस तरह से कुछ पोजीशन होती है जिसमें कि अगले पैर पे पूरा वेट होता है और पिछला पाँव हमारा थोड़ा सहारा देने के लिए होता है, उसकी टो जमीन पे लगी होती है। ये पाँव जमीन से नहीं उठना चाहिए, बोलने का मतलब है कि जमीन से कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, दोनों ही पाँव जमीन पर लगे रहने चाहिए कोर्ट के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है कि जब सर्विस करते हुए रैकेट का अगला हिस्सा है वो नाभि के नीचे होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्ट हो जाएगा और पॉइंट दूसरी टीम को मिल जाएंगे, ठीक है। उसका जो हैंडल है ये भले ही ऊपर हो सकता है, लेकिन इसका जो ये वाला एरिया है, हेड वाला एरिया है, ये नाभि के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी रूल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था 2018 के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है, इसका जो डिस्टेंस है, उसको फिक्स्ड कर दिया गया था। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो शटल का डिस्टेंस है ग्राउंड से, ठीक है, वो कितना रहना चाहिए, 1.15 मीटर या 3 फीट 9 इंच यहाँ पर इसका डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है, कहाँ जिस समय पर यहाँ पर शटल
रैकेट के कांटेक्ट में आती है उस समय पर, ठीक है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसमें इवन ऑड का यहाँ पर क्या सिस्टम रहता है सर्विस के अंदर। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर सर्विस करते समय, ठीक है, अगर स्कोर यहाँ पर इवन है या सम है, इवन संख्या कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो भी संख्या यहाँ 2 से डिवाइड होती है सारी इवन संख्या होती है, ठीक है, ये हमारी इवन संख्या है सारी। तो यहाँ पर इस तरह से अगर इवन यहाँ पर स्कोर होता है तब वो खिलाड़ी अपने दाहिने कोर्ट से यहाँ पर सर्विस करेगा, और अगर संख्या यहाँ पर ऑड होती है, ठीक है, ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, अगर ऑड होता है तो वो अपने बाएं कोर्ट से सर्विस करता है, ठीक है। इसी तरह से, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर डबल के अंदर भी होता है, अगर इवन होता है तो वो राइट कोर्ट से यहाँ पर सर्विस करेगा, और अगर यहाँ पर संख्या ऑड है तो वो अपने लेफ्ट कोर्ट से यहाँ पर सर्विस करता है, और सर्विस यहाँ पर डायगनली होती है, हमने पहले भी पढ़ लिया था ये चीज़। अब चलिए इसी चीज़ को हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो टीमें खेल रही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, जब टॉस होता है, जिस टीम की सर्विस की यहाँ पर टर्न आती है, ठीक है, वो यहाँ पर सर्विस करता है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये वाली टीम यहाँ पर सर्विस करने वाली है, तो यहाँ पर अभी तो स्कोर कौन सा है, 0-0 यहाँ पर स्कोर है दोनों ही टीम के। अब 0 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ राइट कोर्ट से सर्विस की जाएगी, तो ये एक टीम यहाँ पर सर्विस करेंगी राइट कोर्ट से। और मान लीजिए कि ये वाली टीम यहाँ पर जीत जाती है, ठीक है, ये वाली टीम यहाँ पर पॉइंट जीत जाती है और ये वाली टीम यहाँ पर पॉइंट हार जाती है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली टीम के अब कितने पॉइंट हो गए, इसके हो गए 1, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये यहाँ पर अब लेफ्ट कोर्ट से सर्विस होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सिंगल के अंदर तो यहाँ पर प्लेयर क्या है, लेफ्ट कोर्ट में सिंपली चल जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट कोर्ट से सर्विस करेगा और सेबर यहाँ पर लेफ्ट कोर्ट में खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर डबल के अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ पर दो खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है, सबसे पहले इस वाले प्लेयर ने सर्विस की थी और ये पॉइंट जीत गया था यहाँ पर, ठीक है, तो ये ही प्लेयर यहाँ पर इस कोर्ट में जाएगा और ये प्लेयर यहाँ पर इस कोर्ट में आएगा, और यही खिलाड़ी इस कोर्ट में जाकर अब यहाँ पर सर्विस करेगा, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सेम प्लेयर यहाँ पर एक दूसरे को सर्विस ना करें, ठीक है। और मान लीजिए कि अब ये वाली टीम यहाँ पर सर्विस पॉइंट हार जाती है और ये वाली टीम जीत जाती है और इसके हो जाते हैं 0.1। अब यहाँ पर इवन ऑड सिस्टम देखा जाएगा फिर से, क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर लेफ्ट कोर्ट से यहाँ पर सर्विस करेगा, ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहता है। नेक्स्ट है स्कोरिंग। स्कोरिंग का यहाँ पर क्या सिस्टम रहता है बैडमिंटन के अंदर, उसे हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए इसमें मैचेस, और एक मैच के अंदर इसमें 3 सेट होते हैं, ठीक है, और एक सेट के अंदर 21 पॉइंट इसमें होते हैं, यानी एक सेट होता है 21 पॉइंट का, ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट होते हैं इसमें 30। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर इसमें टाई हो जाता है, यानी कि 20-20 पर अगर पॉइंट बराबर हो जाते हैं और दोनों ही टीमों के अगर यहाँ पर 20-20 पॉइंट हो जाते हैं, तब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2 का रूल चलता है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जीतने के लिए 2 पॉइंट की लीड यहाँ पर चाहिए होती है। अब यहाँ पर किसी टीम को जीतने के लिए 22 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए, और अगर ये डिफरेंस यहाँ पर 29 पॉइंट होने तक नहीं होता है, क्योंकि 30 हमने कहा मैक्सिमम पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो 29 पॉइंट के बाद यहाँ पर एक गोल्डन पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिसके पहले 30 पॉइंट होंगे, ठीक है, 29 पॉइंट पर दोनों टीमें अगर पहुँच गई, यानी दोनों टीमों के यहाँ पर 29-29 हो गए, ठीक है, तब यहाँ पर एक गोल्डन पॉइंट दिया जाएगा, और जिसके सबसे पहले 30 पॉइंट होंगे वो ये सेट जीत जाएगा, ठीक है। और सेट जीतने के बाद यहाँ पर साइड चेंज होती है, अब खिलाड़ी अपनी साइड चेंज कर देंगे, और यहाँ पर जो विनिंग साइड होती है, ठीक है, जो भी विनिंग साइड होती है वो पहले यहाँ पर सर्व करते हैं नेक्स्ट सेट के अंदर, और जो लूजिंग साइड होती है
वो रिसीव करते हैं, ठीक है। कि बैडमिंटन के अंदर एक शब्द आपने सुना होगा, लेट, ठीक है। लेट क्या होता है, और ये लेट अंपायर के द्वारा और प्लेयर के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है जब भी खेल कभी रुकता है, ठीक है। और ये किस वजह से दिया जाता है, जब यहाँ पर सर्विस और रिसीवर यहाँ रेडी नहीं होते हैं उस समय पर लेट दिया जाता है। और यहाँ पर और भी रीजन है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर जिस समय रिसीवर और सर्वर दोनों ही कोई गलती कर दे उस समय पर यहाँ पर दिया जाता है लेट, ठीक है। या किसी वजह से यहाँ पर जो शटल है वो नेट में फंस जाती है, ठीक है। या फिर खेल के दौरान यहाँ पर शटल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, इस तरह की कुछ भी घटना होती है उस समय पर लेट दिया जाता है। या फिर किसी भी वजह से अगर खेल यहाँ डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है, या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कोच, या फिर कई बार जो जजेस है वो ठीक से देख नहीं पाते, या अंपायर है वो फैसला लेने में यहाँ पर अनेबल हो जाते हैं कई बार, उस समय पर लेट दिया जाता है, ठीक है। और जब लेट दिया जाता है तो उस समय पर क्या होता है, ठीक है, जो लास्ट सर्विस होती है वो यहाँ पर काउंट नहीं होती है, और जो लास्ट सर्विस है वो फिर दोबारा से यहाँ पर दी जाती है। अब बैडमिंटन के फॉल्ट, अब बैडमिंटन के अंदर जब भी रैली हमारी टूट जाती है तो फॉल्ट ही होता है, ठीक है। अब रैली क्या होती है, रैली यानी कि अब बैडमिंटन के अंदर क्या करना होता है कि हमने शटल को, ठीक है, हवा में ही हमारी रहनी चाहिए, जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। जब तक शटल हमारी हवा में है, एक प्ले चल रहा है, ठीक है, वो एक रैली है। जब शटल हमारी गिर जाती है कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर या कहीं फंस जाती है तो उस समय रैली टूट जाती है, यहाँ पर दूसरे प्लेयर को पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अभी हम उसे देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, जब यदि सर्विस सही तरीके से नहीं दी जाती है तो यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अगर सर्विस करते समय सर्वर का पाँव है वो सर्विस लाइन पर यहाँ पड़ जाता है, यानी कि सर्विस हमारी, मैंने कहा था हम चलते चलते या दौड़ते हुए नहीं कर सकते, और ना तो हम सर्विस के समय पर हमारा ज़मीन से कांटेक्ट टूटना चाहिए और ना ही सर्विस लाइन पर यहाँ पर सर्वर का पाँव पड़ना चाहिए। और कब होता है फॉल्ट, अगर रिसीवर का साथी यहाँ पर जो है सर्विस का जवाब दे देता है, ठीक है, जो शटल है वो रिसीवर के पार्टनर के द्वारा यहाँ पर हिट कर दी जाती है तब ये वो फॉल्ट होता है। और सर्विस के बाद अगर शटल नेट में फंस जाती है, ठीक है, अगर शटल नेट में फंस जाती है तो वो भी एक फॉल्ट होता है, यानी कि अगर हम शटल को नेट पर मारते हैं वो एक फॉल्ट होता है, या फिर शटल जो है वो नेट के पार जाने में असफल हो जाती है, ठीक है, अपने ही कोर्ट में अगर शटल गिर जाती है तो वो भी एक फॉल्ट होता है। और शटल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को जो कि कोर्ट के बाहर होते हैं उनको टच करती हैं तब भी वो फॉल्ट होता है। शटल को बैडमिंटन के अंदर 2 बार हिट करना फॉल होता है, ठीक है, डबल बाउंस करना यहाँ पर फॉल होता है। हालांकि यहाँ पर अगर रैकेट के जो हेड से स्ट्रिंग एरिया में आ जाता है तो वहाँ पे फॉल्ट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि खिलाड़ी जो है वो नेट को टच नहीं कर सकता इवन विद द रैकेट, ठीक है, रैकेट से भी या हाथ से नेट को खिलाड़ी टच नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर शटल जो है वो नेट के बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, नेट के बाहर अगर शटल कहीं भी गिरती है या नेट के बाहर किसी भी सीलिंग को या साइड बॉल को, ठीक है, यहाँ पर टच करती है शटल, नेट, या सिंपली कहा जाए कि नेट यहाँ पर कोर्ट के बाहर अगर शटल जाती है या किसी भी चीज़ को यहाँ पर टच करती है, ठीक है, तो यहाँ पर वो फॉल्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो शटल है वो किसी भी प्लेयर की बॉडी को, ड्रेस को यहाँ पर अगर हिट कर जाती है तब भी यहाँ पर दूसरे प्लेयर को पॉइंट मिल जाता है। कई बार आप देखते होंगे खेल में कि रैकेट में ही जो है वो शटल फंस जाती है तो वो भी फॉल होता है। और खेल में किसी भी तरह से खिलाड़ी का अगर ध्यान ओपोनेंट भटका देता है, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर कर जाता है जिससे कि विरोधी जो खिलाड़ी होते हैं उसका ध्यान भटक जाता है और जिसकी वजह से जो उसका स्ट्रोक है वो यहाँ पर विफल हो जाता है तब भी वो फॉल्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि एक ही कोर्ट के अंदर 2 खिलाड़ी एक के बाद एक शटल को यहाँ पर स्ट्रोक नहीं कर सकते हैं,
यानी कि पहले अगर इस खिलाड़ी ने यहाँ पर अपने ही कोर्ट में शटल को हिट कर दिया और फिर इस वाले खिलाड़ी ने शटल को हिट कर दिया, तो वो भी क्या है, फॉल्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर आती हुई शटल को रिसीवर कुछ इस तरह से स्ट्रोक करता है जिससे कि शटल की दिशा विरोधी कोर्ट की तरफ नहीं रह जाती है, ठीक है। सपोज कि अगर डबल के अंदर शटल अगर प्लेयर के रैकेट को टच करती है और कंटिन्यूली बैकवर्ड ट्रेवल करती है, ठीक है, और जो कि प्लेयर के पार्टनर को ही वहां पर हिट कर जाती है, ठीक है, इस तरह की अगर स्थिति होती है तो वो भी फॉल्ट होता है। अगर कोई प्लेयर अपने ओपोनेंट के कोर्ट में कुछ इस तरह से आगे घुसकर यहाँ पर शटल को हिट करता है, तब वो भी यहाँ पर फॉल्ट होता है, ठीक ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द शटल इज नॉट ऑन द स्ट्राइकर साइड, ठीक, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जिस समय पर रैकेट शटल को हिट कर रहा है, उस समय पर अगर जो शटल है वो स्ट्राइकर की साइड पर नहीं है, तो यहाँ पर उस समय पर क्या है, रैकेट शटल को नेट के ऊपर से फॉलो कर सकता है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के टाइम पे। अब उसके बाद देखिए सर्विस कोर्ट एरर क्या होता है, ठीक है। ये सर्विस कोर्ट एरर प्लेयर के द्वारा कब किया जाता है, जब या तो वो सर्वर या रिसीवर अपनी टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं खेलते, तब यहाँ पर सर्विस कोर्ट एरर दिया जाता है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि जब सर्वर और रिसीवर, ठीक है, रॉन्ग कोर्ट सर्विस करते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि अगर यहाँ पर सर्विस इस तरह से दी जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर सर्विस, मैंने कहा डायगनली यहाँ पर सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अगर सर्विस यहाँ पर इस तरह से दी जाती है तब ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग कोर्ट सर्विस कहा जाता है इसे। फिर अब हम आगे कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बैडमिंटन के अंदर कितने तरह के कार्ड दिए जाते हैं और ये कार्ड क्यों दिए जाते हैं। बैडमिंटन के अंदर तीन तरह के कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, एक है येलो, ठीक है, रेड और ब्लैक, ये तीन कार्ड दिए जाते हैं बैडमिंटन के अंदर। और येलो कार्ड दिया जाता है वार्निंग के लिए, ठीक है, खेल में जब भी कभी कोई मिसकंडक्ट होता है, कोई भी अनुचित आचरण होता है, उस समय पर वार्निंग के लिए येलो कार्ड दिखाया जाता है, ठीक है, ये सिर्फ वार्निंग के लिए होता है। और रेड कार्ड में क्या होता है, ओपोनेंट को, ठीक है, पॉइंट दे दिया जाता है, ओपोनेंट इसमें एक पॉइंट गेन करता है। किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड अगर दिखाया जाता है तो इसका मतलब है उसे उस चैंपियनशिप से या टूर्नामेंट से ही डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा येलो कार्ड वार्निंग के लिए होता है, तो उस तरह से अगर दो येलो कार्ड दिखाए जाते हैं तो टेक्निकली वो एक रेड कार्ड होता है, ठीक है। और अगर दो रेड कार्ड किसी खिलाड़ी को यहाँ पर मिल जाते हैं तो वो टेक्निकली एक ब्लैक कार्ड हो जाता है, ठीक है। और ब्लैक कार्ड में क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है उस पूरे एंटायर चैंपियनशिप से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कार्ड क्यों दिखाए जाते हैं, किस सिचुएशन में कार्ड दिखाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पर जानबूझकर, ठीक है, मैच को डिले करने की कोशिश करता है या फिर खेल को यहाँ पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है, खेल में अगर खिलाड़ी शटल को डैमेज करता है या फिर उसमें चेंजेस करने की कोशिश करता है, उसकी स्पीड को, उसकी फ्लाइट को यहाँ पर बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है, तब यहाँ पर कार्ड दिखाए जा सकते हैं। फिर अगला देखिए क्या है, अगर खिलाड़ी खेल के दौरान कोई भी ऐसा भी ऑफेंसिव बिहेव यहाँ पर करता है, अगर अगर खिलाड़ी एक दूसरे को शाउट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से उलझ जाते हैं या रेफरी या अंपायर के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो इन सब स्थितियों में भी यहाँ पर कार्ड्स दिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, जो खिलाड़ी का मोबाइल है, ठीक है, वो कोर्ट के अंदर रिंग नहीं करना चाहिए या फिर कोर्ट की जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है उसमें भी अगर फोन उनका रिंग करता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस माना जाएगा प्ले के अंदर, ठीक है, जिसके लिए प्लेयर को यहाँ पर पेनल्टी कार्ड दिए जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, खिलाड़ी खेल के दौरान, ठीक है, कोर्ट को बिना अंपायर की परमिशन के छोड़ के यहाँ पर नहीं जा सकता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है, इंटरवल टाइम जब होता है उसको छोड़कर बाकी समय पर खिलाड़ी बिना किसी परमिशन के, ठीक है, कोर्ट को छोड़कर नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट है इसमें इंटरवल, या इंटरवल टाइम या फिर मध्यांतर समय कितना दिया जाता है यहाँ पर।
ठीक है, जब भी कोई लीडिंग प्लेयर के पहले 11 पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं, उस समय पर 1 मिनट का यहाँ पर ब्रेक दिया जाता है, ठीक है, वाटर ब्रेक यहाँ दिया जाता है। और फिर पहले दूसरे और तीसरे सेट के बीच में 2 मिनट का यहाँ ब्रेक टाइम दिया जाता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट है ऑफिशियल। ऑफिशियल में इसमें देखिए रेफरी होता है, एक एक अंपायर होता है, एक सर्विस जज होता है और 2 लाइन जज इसमें होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देखिए जो लाइन जज है उसकी संख्या यहाँ पर 10 तक हो सकती है। और रेफरी जो है, रेफरी का क्या काम होता है, ये रेफरी का काम है जो पूरा टूर्नामेंट है या चैंपियनशिप है उसका पूरा चार्ज किसके पास होता है, रेफरी के पास होता है, ठीक है। और उसके बाद जब अंपायर है जो मैच होता है या कोर्ट होता है, ठीक है, या जो भी हमारी उस समय पर गतिविधियां हो रही हैं उसका पूरा इंचार्ज कौन होता है, अंपायर के पास उसका पूरा चार्ज होता है। और अंपायर जो है वो रेफरी को रिपोर्ट करता है। कि जो सर्विस जज है, सर्विस जज सर्विस फॉल्ट देखता है, ठीक है, कि वही सर्विस करते हुए किसी ने कोई फॉल्ट तो नहीं किया, वो चीज़ देखने का काम होता है सर्विस जज का। फिर है लाइन जज, ठीक है, लाइन जज का काम है लाइन को देखना, ठीक है, वो देखेगा कि जो शटल है वो लाइन के अंदर गिरी है या लाइन के बाहर गिरी है, ठीक है, वो सारे काम किसके होते हैं, लाइन के पास, लाइन जज का काम ये होता है। उसके बाद है पोस्टपोन। खेल पोस्टपोन की स्थिति में यहाँ पर हो सकता है, कई कारणों से यहाँ खेल पोस्टपोन हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना हो सकती है कि जो खिलाड़ी के नियंत्रण से यहाँ बाहर हो जाती है, या एम्पायर को ये लगता है कि जो खेल है वो यहाँ पर पोस्टपोन करना यहाँ पर जरूरी हो गया है, ठीक, उस स्थिति में यहाँ पर खेल को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। और किसी विशेष कारणों से अगर रेफरी एम्पायर को खेल स्थगित करने की सूचना देता है, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है, खेल पोस्टपोन किया जाता है। खेल पोस्टपोन करने के बाद क्या होता है कि और उस समय के जो खेल के स्कोर है वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है, और जब खेल दोबारा शुरू होता है तो खेल वहीं से दोबारा शुरू किया जाता है। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पूरा इसकी मेजरमेंट और रूल्स के बारे में, इसके फॉल्ट, ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए।